वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। तो गाइज वही वाला फील आप देख सकते हैं, पहाड़ी बाकरी में पहुंच चुका हूं। शाम के 6:30 बज रहे हैं दोस्तों, और ये देखिए आप, हमारे बुज्जिया भी यहां पे आ चुके थे एयरपोर्ट में और सामान लेके जा रहे हैं नीचे को। और चारों तरफ की हरियाली, ये पिथौरागढ़ वाले चाची का कुड़, ये ऊपर कुणाल का घर आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये लैटिन बाथरूम देख रहे, बहुत ही धरोहर वाली लैटिन बाथरूम है। अभी यूनेस्को इनको थोड़ी दिनों में हमारे पुंगराव घाटी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने वाला है दगड़ियों, क्योंकि आप देख सकते हैं दी बहचन दगड़ियों, ठीक है, दिया दिना लैटिन बाथरूम में ताई लग गई दगड़ियों। पता नहीं ऐसा कौन सा गु है इसके अंदर दोस्तों, तो इतना मूल्यवान है। ये आप देखिए, इतने बड़े बड़े ताले यहाँ पे लगा रखे हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं रमेश नाम के जो होते हैं, कितने टैलेंटेड होते हैं हमारे चचा दगड़ियों। पिछली बार इन्होंने पाथर रखा हुआ था, अभी घर आके ये फिर से लॉग बना के गए हैं दोस्तों। अब बिल्कुल फिट एंड फोर है, आप बांदर भी इसको नहीं हिला सकते हैं। धुमारू का बाढ़ अभी भी वैसे का वैसा ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये है हमारे पहाड़ की ऑनेस्टी, बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ है दोस्तों। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे उजाले को, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है दोस्तों, क्या व्यू है। असल में यार देखो, स्वर्ग छोड़ के गया ना। ये देखिए दोस्तों आप, ये ब्यूटीफुल व्यू था गाड़ियों। लोग ऐसा व्यू पाने के लिए मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, हजारों लाखों रुपए का पैकेज लेते हैं दोस्तों, और हमको ये फ्री में मिला हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्वर्ग से सुंदर अपना पहाड़। पहाड़ी बाकली की एक अपना अलग ही चाम है, एक अलग ही रौनक है दगड़ियों। यहाँ पे पहाड़ी बाकली के सदस्य क्या कर रहे हैं, बाबर सबसे पहले हमारे पप्पा जी मिल चुके हैं यहाँ पे, सबसे हैंडसम। नमस्कार, और ठीक ठाक, बस बढ़िया यार। बाप, ओ यहाँ पे मम्मी का नया लुक दोस्तों, आप खुश हो जाएंगे देख के। पहले आप सुमित जी से मिलिए। हेलो सुमित जी, कैसे हो? बढ़िया। आप अभी तक घर में हो? कहाँ जाना है? आप रुपए लगाए बेरो जाए। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके आहारे। नमस्कार, ठीक ठाक? ठीक ठाक। और क्या रही हाल चाल? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, है? कैसा लगा हल्द्वानी में? बहुत बढ़िया लगो, बहुत है बड़ी। डिंपू, डिंपू। चौमास के सीजन में पहाड़ जितना विकराल होता है दोस्तों, उतना ही सुंदर और सुहाना भी दिखता है दोस्तों। दोनों रंग प्रकृति के यहाँ पे, और हमारा डुग्गू, डुग्गू पहचान महिला, डुग्गू लालेंद्र, लालेंद्र कैसे हो? बस बस वही जा गोपुली, ये गोपुली देखो, मारना नहीं भूलिए दगड़ी। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं दोस्तों पहाड़ी बाखली की महारानी विक्टोरिया से दगड़ियों। नमस्कार, ठीक ठाक? ठीक ठाक। और क्या हाल चाल? ठीक है रीजा, अंजना ठीक है नहीं है? अंजना, अंजना ना रंजना को, रंजना रंजना भी ना रंजना, हाँ बोले ठीक हो? ठीक है मैं ले, नहीं रे मैं तो, हाँ मैं नहीं गई जा जा कौन ही, मेरे को दो चार दिन छुट्टी है ना, हम यथा ईड मैं दगे अब लागो क्या भाई, मैं कद पर लागो एडवांस लागो तब नहीं आने हेल्प अब दो चार दिन आई सकने भाई कहने ना आई तो सब भाई क्यों क्या कही बात चुप रहो भैया चुप रहो भाई ये कहाँ दिन सर हाँ तो खाओ ना तुम बैठ गए की बातों तो कामी मैं हाँ देखना का ठेका ही भाई ना खाओ ना की बातों बाद में बातों खाली इस बार मन खाला बोल लागो ना है सच के ही नहीं भगवान का सम भगवान का सम ना है क्या कहा रहा था अम्मा कंफर्म भी कर रही है तो नहीं कहा है पढ़ी लिखी ना दिन पढ़ी लिखी ये पढ़ी लिखी होता बता ना खाऊं रे पढ़ी लिखी जन होनी खाऊं ही खाऊं जाए बाय बेर मतलब खाऊं रे बतू की बॉय भी नहीं तो का बताऊं मैं को लगता है ब्रेड लिया अच्छा ब्रेड पचा नहीं है तो ब्रेड और एक पैकेट दूध और लिया अच्छा बाबू दूध माले ही ब्रेड वो चार ब्रेड शेक दे तो ही में क्यों यार चार ब्रेड क्यों ने वो यार हम यहाँ सुधा आठ आठ दर्द वाट खानी इधम वाटियो मिले को हूँ मिले को ना मारा पावन मस्त हाँ देखने है तू मेरा हालत देखने है तू ना कर दे कर यार तू फिर मेरे को मेरा को हूँ मिले को तो मस्त हाँ तो मेरे का खाओ जनर वाट भात ना तो और चीज नहीं खान मेरे को दुकाने तो हाँ वो तो उतार मोटे रहे उदम फैर जाए जी 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 तो कह लिया बाहर जाए निभोर भाई आप क्या कहीं दही एक तो अलग से लगा ना के करो ब्याह बोल जा तू जा अपनी जगह दगे जा अब आमन आमा का दगे रहो बोल के कहीं ना यार बने हाँ तू ऐसे खाओ कोई जो खाओ मत खाओ जाए ने बोले ना खाओ पाने भैया काम कौन करना यार पूरी दुनिया काम करने
अनोखी जॉब आई जॉब लो हुने रे भाई ठीक भाई पढ़ले राख जॉब करना जब तुला बेरोजगार के छ मेरो विरुद्ध त सोच्न चाहिने भयो पुरा बेरोजगार ना त न त टेलर रोजगार अब भई जा भलो करू भयो मैसन न बन्ना मिन उमर जाय मैसन का बिल चुप लही हम मामी ओ उसको भागे नहीं जा रहे नहीं मैसन का अभी तो धनी मका पछाड़ने भाई सब दुनिया पछाड़ लाखो लोग मन का देखने तय भी नहीं चुप के करने भई न कतन ठुल भव संकट में हिनी देखने तू तो कोई धराल में नो ओ कोई नहीं धरो ना तो को पछाड़ने भाई था या क्या भाई दस नहीं हो जाए नहीं जा भलो आए तो सन है दिया है जगह नहीं जब मैं तो कुछ तो कर रहे थे तो बड़े तो उसका जा है कौन है नहीं जा बल्कि का रोमांच है नहीं भाई तेरे क्या नाल अमूसर है क्या अमूसर में आप ना तो ले मेरे चले मनी ये कह रहे बाबू आप बाबू आप तो मेरे को रोमांच को कोई दे बाबू खाए पी रहे मेरे खाए पी रहा पड़िए शी खाए न पी पापा ही वो पे नजर लग रहे थे नजर नजर का जो है तमाश ही भाई हो क्या करो कैसे करो क्या करो बड़बा बोल मर गए आई गुस्सा हरो बाई खे रहो मैं आंख लाग रहा था ना मैं सर जी हर मेरे बारे हाथ को उठो नहीं मैं सब चीज का दिन मैं हाथ पर कुछ ना मिले मैं कैसे करो कॉमेंट में लोग सर सुना फिर भी मैं बोलो लो मार मैं बुझा रहा मार पहली बार ये तरबूज ही आकाश में तरबूज छूट भी नहीं अच्छा तरबूज हाँ तरबूज वो भोजपत्र वो तो किसम धरा इसी में भी ना मैं ना खाल में बड़ा ही पाँच बड़ी में किधे मैं चोर लगा रखा वो भी नोदा लगा रखा सब लगा कर रखा अब मेरा हर कुछ ना ध्यान नहीं देने नहीं ध्यान नहीं आप आदमी को देना कहीं नहीं बोला नहीं देने वो कुल काम करन बार फोन साग लगो साग काटन मेरा हाथ को न काटन मेरा हाथ को सना मैं क्या करो बुनाओ सौ न लाज ले नजर लाग रहे तक नजर ते कोई राशि फोन ने कोई राशि सरसों मंदा जी हूँ ते राशि उस सरसों का भी पति चौबट्टी में खींचे चौबट्टी में खींचने अब तो सब आप शहर का होने भाई आग ने हाँ सब रंग तो भी लगी भाई यार ना कर का बेला नहीं करने ना तो अब मैं कौन है हलाम नंती ना देगी हम तो बुढ़ी रान कर का सांस और बन गया अब भुआ जन आम बुबला बन जाए भगवान चालो मैं दाए पर नौ पूजन देखो सेना में को नौ पूजन यहाँ हम आज 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 नौ पूजा चाहूँगे मैं यार तो दोस्तों अम्मा ने एक बहुत ही शुभ सपना देखा है। अम्मा ने सपने में हमारी फैमिली को नौ पूछते हुए देखा मतलब उका तो रंजना को तो नौ तो भैया फिर नामकरण के टाइम भी पूजा जाता है तब पूजने वो ना पूजना ना नामकरण में नामकरण में पूजने वो नौ पूछ तब उन्हें भाई सुखी है रंजना ही पूछे क्या बोल रहा है तुम बोल दे भाई मैं की पूछ रहा है छक्की के दतिल की छुकी के वाल की छुकी के जो खतरनाक पूछा दिल में छुकी के तिल है ना है छुकी के तो दोस्तों ये पहाड़ी श्रेणियों का एक कोड वर्ड होता है छुकी के जैसे यूरोप में शहरों में तो ऐसा होता है आर यू प्रेग्नेंट ऐसे बोलते हैं ना हमारे पास मतलब फिगनेंट के ना चलन दगड़ियो यहाँ छुकी के कहीं पर कही बात करे ना अल्लाह मिले नौ पूजन दे रखो सारा में क्यों खुश को बजी से क्यों डर के पड़े पर ना डर की पड़े क्या ना सजे क्या रहा और क्या भगवान का घर और क्या मैं सुना हूँ आने हो तब आप उन्हें बालों ते हैं पर जो हाल एक एक हो जाए जी बाई नहीं होने पर एक हम बिरो बालों ये बोलते हैं पर आप उन फसल ते हैं पर ना तो है ते हैं पर बोलो ते हैं पर कारिंग करो हाँ सही बात फोन करो कौन है घरा फोन भी करनी तो दोस्तों घर के फोन से मैं फोन कर रहा हूँ रंजना को पहुंच गया करके हेलो हाँ नमस्ते अरे मैं पहुंच गया अच्छा अच्छा जस्ट पहुंच के तुम्हें फोन ही कर रहा हूँ मैं
मतलब नमस्कार पुरस्कार भी नहीं कर रखी है मैंने, पहले फोन ही किया। अरे फोन बंद हो गया क्या? हाँ वो फोन मैं एक साथ स्विच ऑफ हो गया मेरे ख्याल से एक ना। अच्छा रास्ता ठीक था? हाँ रास्ता भी ठीक ही था, आगे को तो खैरना वाला वो ज्यादा हो रहा था। अरे हाँ हमेशा ही हो जाता है। ये अच्छा अच्छा, चलो खाना ना खाया था कुछ? नहीं खाया रास्ते में, कुछ नहीं खाया था, अभी वही जो ब्रेड तुमने शेक रखे थे वही है पेट में अभी। आज तो बड़े नाश्ता करके आए थे। अब नाश्ता लंच डिनर सब करना होगा ना यहाँ दो चार दिन। अपने एक महीने के लायक एक साथ ही खा के आ जाना। दूसरी मंगनी खाओ करो फिर ए महीना लगा रही खा भी आ जाए अपना अपना पूरा मन भर के आ जाना। ठीक है ठीक हो रहे हैं? हाँ सब। सासू माँ को याद कर देना मेरी तरफ से। हाँ दूध लेने गई है। अच्छा दूध, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा प्रणाम पहुँचे फिर वहाँ तक है। मेरा प्रणाम में पहुँचा देना सबको। ठीक हो गया फिर, ठीक हो। तो दोस्तों पहाड़ी बाखली और पहाड़ी बाखली के जितने भी सदस्य हैं उनसे उनसे मिलवाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों जेडजा कॉटेज में। जी हाँ दोस्तों, आपका मन भी भाव विभोर हो रहा होगा, मन में उत्कंठाएं मच रही होंगी दोस्तों, उचकुचाट हो रहा होगा दगड़ियों की जेडजा से मिलना है। अब ऐसे बाढ़ घाटो में चल पाएगी रंजना? कब भी नहीं चल पाएगी ऐसे में। तो मैं टूट पाया मैं एक अशरीन छू। अम्मा भी कितना खतरनाक बोल दे रही है छुकी के। और ये देखिए दोस्तों जेडजा की अक्षत पोष की खान, काऊ गोर का जो गोबर है दोस्तों औषधि का काम करता है। जेडजा इसका धूल लगाती है जिससे कीड़े मकोड़े मच्छर घर के अंदर नहीं आते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। ये जेडजा की बगिया के भी आप दर्शन कर लीजिए दोस्तों, कितने सुंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। नमस्कार, ठीक ठाक? ठीक ठाक। बोल सोरास मैथ मैथ अब अदमाश लागना बोले घर जा तू वहां जा। तो दोस्तों जेडजा तो यहाँ पे आटा गूंदने में लगी हुई है, मात्र तीन लोगों का परिवार है और आटा इतना ज्यादा गूंदा जा रहा है दोस्तों। जेडजा अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो भी बाज बिराव आ जाता है उसमें खाने के टाइम पे, जैसे महर्षि दधीची थे ना उन्होंने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की वो मांस दान कर दिया था, सेम वही जेडजा का भी है दगड़ियों। तो महर्षि दधीची की वंशज है ये दगड़ियों, ठीक है, जो जेडजा के पिताजी थे शास्त्री जी, तो दधीची जी से बहुत प्रेरित थे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रेम की पराकाष्ठा दगड़ियों। इतने दिनों से मैं पहाड़ी बाखली से बाहर हूँ लेकिन पहाड़ी बाखली का जो माहौल है, जो यहाँ का प्रेम है, वो अभी भी टस से मस नहीं हुआ है दगड़ियों। प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ इंसानों के बीच में ही नहीं बल्कि कपड़ों के बीच में भी झलकती है। उसका मैं छोटा सा नमूना आपको दिखाते आया हूँ और अभी भी दिखाने जा रहा हूँ। आज तक जेडजा सिर्फ पति प्रेम का ही उदाहरण पेश करती थी अपने कपड़ों में, आज पति और पुत्र प्रेम दोनों का कर रखा है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये हमारे विनोदा का पैजामा है, वो पैंट है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं इनके पैंट की बांस को नमन करता हूँ, ठीक है। और उसके ठीक बीच में दोस्तों जेडजा का ब्लाउज है और उसके ठीक बाद पाऊजी का लोअर है दगड़ियों। ये आप देख सकते हैं पति का लोअर, बेटे का पैंट और उसके बीच में जेडजा का ब्लाउज दगड़ियों। आप देख सकते हैं ये मात्र पितृ पुत्र प्रेम की, ये ऐसा उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा दोस्तों। ये है हमारे पहाड़ी बाखली का एक अलग से, इसी वजह से आप लोग भी ब्लॉग में मेरे को कमेंट मारते रहते हैं कि पहाड़ी बाखली के ब्लॉग अच्छे थे ये थे, क्योंकि ये है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बात है दोस्तों। पहाड़ी बाखली में, पहाड़ी बाखली के सदस्यों में, वहां के आसपास का जो माहौल है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है दोस्तों, जिस वजह से आपको यहाँ के ब्लॉग हल्द्वानी की तुलना में ज्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए हमारा कोलियस, कोलियस ही बोला था ना मैंने इसका नाम, कोलियस। रोम रोम कौज बहुत छिद्र आप देख सकते हैं, ये आप देखिए इनको भी आप बहुत मिस कर रहे हो। जेडजा का अक्षत लकड़ी का खयो आप देखिए दोस्तों, ये अक्षत लकड़ी के खयो को भी आप बहुत मिस कर रहे होंगे। और आप देख लिए अभी भी मेरे हल्द्वानी जाने के बाद भी एक भी लकड़ी टस से मस नहीं हुई है दगड़ी। पैरों की बात महात्मा है, जेडजा अभी मेरे बर की अंगूठी पहन रही है, देखते हैं अगर तुम्हारा अंग में आ जाली तो मन का दीदी होंगे एक लाख में उन्होंने फिर आदमी आप गिफ्ट पक्का, उसका शुभ भी तो होना चाहिए ना, कोई मुहूर्त भी तो होना चाहिए, मौका भी तो होना चाहिए। बढ़िया नहीं लागो ने ब्याह वाले कौन देता है तुम्हारी जी बना रखी बढ़िया है ना, ये मैं गणेश जी बहना
हम्म।